हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। जैसा कि आपको टाइटल से पता लग गया होगा कि क्या हम माउथ वॉश को और सैनिटाइजर को गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, प्लांट्स पर यूज कर सकते हैं, तो जी हाँ यूज कर सकते हैं। इसके अलग अलग तरीके हैं, वही डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन फटाफट से आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने इसको गार्डनिंग में कैसे यूज करना शुरू किया था। क्या हुआ था कि मेरी एक माउथ वॉश की बॉटल जो है वो कहीं अलमारी में पड़ी रह गई थी, जिसकी वजह से जो है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो चली गई थी, यानी वो एक्सपायर हो गया था। लेकिन मैं उसको फेंकना नहीं चाहती थी, वो काफी बड़ी बॉटल थी, करीबन इसी साइज की बॉटल थी, इसको मैं फेंकना नहीं चाहती थी, वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरी गलती की वजह से इसकी जो डेट है वो चली गई थी, तो मुझे लगा कि मुझे इसे यूज करना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सर्च किया इंटरनेट पे कि क्या मैं इसको एक्सपायरी माउथ वॉश को अलग तरीके से कहीं यूज कर सकती हूँ। तो बहुत से अलग अलग तरीके मुझे देखने को मिले, जिसमें से कि एक तरीका मिला गार्डनिंग का। तो मैंने वो ब्लॉग जो है जिसमें मुझे ये मिला था उसको पूरा पढ़ा और फिर अपने प्लांट्स पर यूज करना शुरू किया। तो ये करीबन 2 साल पुरानी बात है और इस तरीके से जो है मैंने इस प्रोडक्ट को अपने गार्डन में यूज करना, अपने प्लांट्स पे यूज करना शुरू किया था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको प्रोडक्ट कौन से यूज करने हैं। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इन्हीं को यूज किया है, इसी के बेसिस पर जो ये वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो सबसे पहले जो बात करूंगी माउथ वॉश की, तो अगर आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया है वो माउथ वॉश प्लीज मत यूज कीजिएगा। वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं और डिफरेंट इंग्रेडिएंट के साथ होते हैं, उनका फॉर्मूला जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जो लिस्ट्रीन का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा ऑयल बेस्ड है और इसको आप बेहिचक यूज कर सकते हैं। जो जो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगी उन सभी में ये कारगर साबित होता है, बहुत अच्छा काम करता है और मैंने इसी को यूज किया है, इसीलिए भी मैं यही रेकमेंड कर रही हूँ। लेकिन आप इसके अलावा अगर चाहते हैं कि आपके पास पड़ा है तो कोलगेट का भी आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी काम करता है, लेकिन मुझे इसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये वाला रेकमेंड कर रही हूँ। और सैनिटाइजर जो है दोस्तों वो आपको किसी भी इस तरीके का जो आता है, जो जेल बेस्ड होता है, वो यूज नहीं करना है। सैनिटाइजर जो आपको यूज करना है, जो रबिंग एल्कोहल मैं कहूँ या फिर कहूँ कि इस तरह का जो लिक्विड फॉर्म में आता है जिसमें 70-80% एल्कोहल बेस्ड जो होता है वो वाला यूज करना है। और तो दोस्तों आप इसको गार्डनिंग में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अगर आपके गार्डन में कहीं पर कैट या डॉग यानी बिल्ली या कुत्ते आते हैं और वो पी कर जाते हैं, यानी सूसू पॉटी कर जाते हैं, वहां पे गंध फैला देते हैं, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप माउथ वॉश का यूज कर सकते हैं। आपको कैसे करना है, आपको हाफ कप लेना है माउथ वॉश और हाफ कप लेना है पानी, उन दोनों को मिलाकर उस जगह पे स्प्रे कर दीजिए जहां पर डॉग और कैट आते हैं, सूसू पॉटी कर जाते हैं, डिगिंग कर जाते हैं, यानी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस तरह की, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि डॉग और कैट की जो नोज होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है और इसकी स्मेल जो होती है वो स्ट्रांग होती है माउथ वॉश की, तो ये उसकी स्मेल के कारण वहां पर नहीं आएंगे और वो गंद नहीं फैलाएंगे। तो इससे बचने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसको किसी प्लांट के पास या किसी गार्डन एरिया में यूज करना चाहते हैं तो पानी का डाइल्यूशन जो है वो डबल कर लीजिएगा, यानी हाफ ग्लास अगर आप माउथ वॉश लेते हैं तो उसमें 1 गिलास पानी मिला लीजिएगा, और बहुत ही सेंसिटिव प्लांट्स के आसपास यूज कर रहे हैं तो पानी और ज्यादा कर लीजिएगा, यानी पानी थोड़ा सा बढ़ाने से इसका डाइल्यूशन जो हम इसका रेशियो पानी का बढ़ा देंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी लो हो जाएगी और सॉफ्ट प्लांट्स पर इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये तो था पहला तरीका, अब चलते हैं दूसरे तरीके की ओर। दूसरा, हम इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों अपने प्लांट्स पर जहां पर किसी भी तरह के कीड़े का अटैक हुआ हो। आजकल बहुत ज्यादा आपको अपने प्लांट्स पर ब्लैक कलर के एपिड्स का अटैक देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं और सैनिटाइजर को भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है, आपको यूज करना है 1 लीटर पानी में आप लेंगे कम से कम उसमें 15 ml माउथ वॉश यूज करेंगे, और अगर आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 10 ml ही सैनिटाइजर यूज करेंगे। अगर आप फिर भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट इसका ना हो जाए, तो आप उसको स्प्रे करने के बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फिर से साफ पानी से अपने प्लांट को वॉश कर दीजिए। तो अगर आपके दिमाग में है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम प्लांट में ना हो जाए तो आप इस तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, यानी उसको दोबारा से वॉश कर सकते हैं साफ पानी से, जिसकी वजह से अगर साइड इफेक्ट कोई हो भी, क्योंकि हर प्लांट का अलग अलग तरीका होता है, मे भी हो जाए, लेकिन होगा नहीं, मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, फिर भी हमें डाउट है कोई प्लांट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है, तो वहां पर आप पैच टेस्ट कर लीजिए, एक पत्ती पर थोड़ा सा स्प्रे करके देख लीजिए, घंटे 2 घंटे तक उस पत्ती पर आपको कुछ नजर नहीं आता है, वो हेल्दी ही नजर आती है,
तो आप पूरे प्लांट पर यूज कर लीजिए। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी कोई डाउट है। तो अब दोस्तों चलते हैं तीसरे तरीके की ओर। और तीसरा तरीका है कि अगर आपके गार्डन में कहीं पर ऐसी स्मेल आती है, यानी आपने गार्डन में कोई गार्बेज है वहां पर इकट्ठा कर दिया, किसी तरह का मलबा इकट्ठा कर दिया है, चाहे वो सूखी पत्तियां हो या वुडन पीस हो, कुछ भी इस तरीके का इकट्ठा कर दिया है, वहां पर क्या होता है कि धूप कहीं एरिया में नहीं रहती है या वहां पर सीलन की वजह से स्मेल बन जाती है। अगर आप उस स्मेल को रिड्यूस करना चाहते हैं तो वहां पर आप माउथ वॉश और सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं। माउथ वॉश वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, तो कोशिश कीजिएगा कि माउथ वॉश ही वहां पर यूज करें। और यूज करने का तरीका सेम रहेगा, हाफ पोर्शन में आप लेंगे पानी और हाफ पोर्शन में लेंगे आप माउथ वॉश, दोनों को मिलाएंगे और उस एरिया में छिड़क देंगे। अगर आसपास प्लांट है तो पानी का जो डाइल्यूशन है वो 2 गुना 3 गुना कर लीजिएगा प्लांट के अकॉर्डिंग। तरीके से जो बैड बैक्टीरिया है जो स्मेल पैदा करता है, माउथ वॉश उस बैक्टीरिया को खत्म करता है। जैसा कि ये हमारे माउथ में काम करता है ठीक वैसा ही उस एरिया में भी ये काम करेगा, तो आते जाते जो आपको वो स्मेल आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। और इस तरीके से आप माउथ वॉश को यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है कि आप यूज कर सकते हैं माउथ वॉश और सैनिटाइजर दोनों को ही अपने गार्डनिंग टूल को सैनिटाइज करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। दोनों को डायरेक्ट ही आप अपने किसी भी टूल पर, कटर पर, कैंची पर या किसी भी तरह के गार्डनिंग टूल पर यूज कर सकते हैं, उनको डिप कर सकते हैं या कॉटन या कपड़े की सहायता से साफ कर सकते हैं। अगर आप कोई कटिंग ले रहे हैं, आजकल कटिंग लगाने का जो सीजन है वो शुरू होने वाला है कुछ प्लांट्स के लिए, अगर आप किसी प्लांट की कटिंग लेते हैं तो सैनिटाइजर से या माउथ वॉश की सहायता से आप अपने कटर को अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए, डिसइंफेक्टेड कर लीजिए, ताकि जो आप कटिंग लें उसमें बैक्टीरिया किसी तरह का ना जाए और आपकी कटिंग अच्छे से सक्सेसफुली लग सके। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि अगर आपके गार्डन में कहीं हम जैसे पाथ होता है चलने का, या कहीं हमारे घर में ही प्लांट्स के आसपास छोटे छोटे वीड्स या अनवांटेड प्लांट जो होते हैं वो उग जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए, फ्लोर पे कहीं ईंटों के बीच में जिनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, वहां पर आप डायरेक्ट इस दोनों को ही डाल सकते हैं। डायरेक्ट भी डाल सकते हैं अगर आप किसी प्लांट के आसपास यूज कर रहे हैं, तो पानी में थोड़ा सा डाइल्यूट कर लीजिएगा, फिर उस पर डाल दीजिएगा, और फिर जब आप उसको निकालेंगे तो वो रूट से ही निकलेगा और बार बार वहां जल्दी जल्दी वहां पैदा नहीं होगा, जिससे वो साफ हो जाए। कई बार होता है दरारों में उग जाती है कुछ भी घास जैसा, तो आप उस पर डाल दीजिए और इसको निकालेंगे तो जड़ से ही वो घास या कोई भी वेड्स हैं वो सब निकल आएंगे। तो इस तरीके से भी आप माउथ वॉश और सैनिटाइजर दोनों को ही यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। अगर आप गार्डन में घूम रहे हैं, जैसा कि अब आगे गर्मियां आएंगी या बारिशों का मौसम आएगा, उसमें मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं हल्का फुल्का सा सॉल्यूशन मच्छरों को अपने से दूर रखने का, तो माउथ वॉश वहां पे काम करता है। आप माउथ वॉश को यानी एक ढक्कन माउथ वॉश लेते हैं तो उसमें आधा ढक्कन पानी मिला लीजिए, उसको अपने कपड़ों पे जो है वो स्प्रे कर लीजिए, कपड़ों पे नहीं शूज पे स्प्रे कर लीजिए, थोड़ा सा स्किन पे भी लगा सकते हैं या किसी कपड़े पे लगाकर कपड़ा अपने हाथ पे बांध सकते हैं। को दूर रखने का ये काम करता है क्योंकि इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि है यूकेलिप्टस से निकलता है, और यूकेलिप्टस जो है वो ओडोमॉस वगैरह जैसे प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी माउथ वॉश में होती है, जिसकी वजह से ये मच्छरों को दूर रखने का काम करेगा आपके लिए। लेकिन हाँ, ये थोड़ी ही देर इफेक्टिव होता है, जब तक इसकी स्मेल इन्वायरमेंट में रहेगी मच्छरों पर ये तब तक ही काम करता है। ट्रिक के तरीके से यूज कर सकते हैं अपने आसपास, और अगर आप कहीं टेबल वगैरह पे बैठे हैं तो टेबल्स के जो पैर हैं यानी स्टैंड वगैरह पे आप आसपास भी छिड़क सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्मेल की वजह से आसपास भी मच्छर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप इनको अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं, और ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इमरजेंसी में काम आ जाती हैं, चाहे आप वैसे ना यूज करें स्पेशली, लेकिन कभी होता है ना कोई प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो उसके ऑल्टरनेट के तरीके पे हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे तरीके हमें देखते रहना चाहिए या कभी ना कभी अपना लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ जाते हैं किसी इमरजेंसी में। तो मैं मानती हूँ ये वीडियो आपके लिए अभी नहीं तो फ्यूचर में जरूर हेल्प करेगा, और उम्मीद करती हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।